यूपी में सपा कांग्रेस में बन गई बात। कांग्रेस को 17 सीटें देने पर अखिलेश की सहमति। शाम 5:30 बजे होगा आधिकारिक ऐलान। यूपी में बीजेपी के राज्यसभा कैंडिडेट संजय सेठ की बहू से लूट की कोशिश। सुल्तानपुर रोड पर हुई वारदात। घटना के कई घंटों बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान पुलिस में टकराव। लगातार छोड़ी जा रही आंसू गैस। केंद्र के बीच बातचीत के प्रस्ताव पर थोड़ी जवाब देंगे किसान। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम। बस्ती से सपा की चेयरपर्सन नेहा का सपा को अलविदा। इलाहाबाद बेस्ट से सपा प्रत्याशी रही ऋचा सिंह ने भी थामी बीजेपी। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत। 55 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षा से पहले राजधानी में 10वीं की छात्र ने किया सुसाइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां संजय सेठ के बहू बेटे से कार सवार युवकों ने लूटपाट की कोशिश की है। पूर्व राज्यसभा सदस्य से लूट के प्रयास का मामला है। इस मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है, जहां संजय सेठ के बहू बेटे को लूटने का प्रयास हुआ था। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी गौतमपल्ली थाने में रोकी थी। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी का शीशा तोड़ने का प्रयास किया गया था। इसी मामले पर ड्राइवर की ओर से गौतमपल्ली थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। डीसीपी सेंट्रल ने लूट के प्रयास की घटना को सिरे से नकार दिया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य से लूट के प्रयास का मामला, इस पूरे लूटपाट के मामले को पुलिस की द्वारा सिरे से खारिज कर दिया है। संजय सेठ के बहू बेटे को लूटने के प्रयास पर एक मामला गौतमपल्ली थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले पर गहनता से जांच की गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इस पूरी खबर का खंडन किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। कानपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची। ये यात्रा उन्नाव से शुक्लागंज होते हुए गंगा पुल से होते हुए घंटाघर पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने घंटाघर में चौराहे पर पहुंचकर जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुझे देश में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये देश अपनेपन का है, मोहब्बत का है। अगर आप कमजोर और पिछड़ी जाति के हैं तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस आपको न्याय नहीं देगी। AIMIM के नेता असीम वकार ने अखिलेश के पीडीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के पीडीएम में अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज है ही नहीं। आगे हमला बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये मैं नहीं बल्कि एसपी के ऑफिशियल प्रवक्ता खुद अपने बयान में कहते रहते हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता महोदया कहने लगी कि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी। एंकर ने बहुत चौंक के पूछा कि अल्पसंख्यक या आदिवासी, एक मतलब क्या है पीडीए में? तो वो बोली कि अभी 72% की लड़ाई लड़ने दीजिए, अभी आदिवासी हुआ, पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, आदिवासी। मैं समाजवादी पार्टी के इन तमाम मुसलमान रहनुमाओं से पूछ रहा हूं कि पीडीए में आप हैं कहां? अब समझ में आया कि 3 राज्यसभा सदस्यों में एक भी मुसलमान इसलिए नहीं दिया गया कि बकौल समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पीडीए में अल्पसंख्यक है ही नहीं। अगली खबर महराजगंज से है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महराजगंज में 22 फरवरी को देर शाम पहुंच रही हैं, जो अगले दिन यानी कि 23 फरवरी को सुबह 10 बजे नवीन मंडी स्थल धनेवा धने में जनसभा को संबोधित करेंगी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए का डेमो चेक देंगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रस्तावित कार्यक्रम जनपद महाराजगंज में होने वाला है। आपको हम बता दें कि 23 तारीख को सुबह हुआ जनपद महाराजगंज में जो धनेवा धनेई का जो है नवीन मंडी है, यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगी। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो जगह है जहां पर उनकी सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ यहाँ जनसभा को संबोधित करने की पूरी तैयारी जो है जनपद महाराजगंज का प्रशासन जो है कमर कस लिया है। पूरे भाजपा के लोग भी कमर कसे हैं कि उनके कार्यक्रम में कोई चूक ना हो। यहाँ प्रशासन जो है मुस्तैद है, जगह जगह चेकिंग अभियान लगा रही है। आपको हम बता दें कि 23 तारीख को इनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो 1,000 करोड़ रुपए का चेक, डेमो चेक जो है
छोटे उद्यमियों को यहाँ प्रदान करेंगे और विभिन्न तरह की योजनाओं में लाभार्थियों को जो है ये पत्र देकर सम्मान करेंगे। आपको हम बता दें कि 23 तारीख को सुबह 10 बजे इनका कार्यक्रम है, लेकिन जनपद महाराजगंज में 22 तारीख को देर शाम आ जाएंगी, जिसको लेकर हम बता दें कि जनपद महाराजगंज के हर जगह हर चौराहे पे पुलिस जो है जबरदस्त चेकिंग अभियान लगा दी है ताकि इनके सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। अभिषेक श्रीवास्तव, प्राइम टीवी महाराजगंज। पंजाब के 14,000 किसान 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद है। किसान यहां से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं प्रदर्शन की जो आग दिल्ली पंजाब में फैली हुई है उसका असर यूपी में देखने को भी मिल रहा है, जहां अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, जालौन की अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों ने प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो कहीं कहीं प्रशासन और किसानों के बीच टकराव भी देखने को मिला, तो अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत और जालौन में भी किसान उग्र होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, ज्ञापन सौंपते हुए नजर आए, साथ ही अपनी मांगों को पूरा करने की मांग लगातार प्रशासन को सौंपते हुए अपनी ज्ञापन के जरिए लगातार यही मांग कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को सरकार जल्द से जल्द माने। आयोग बनाता माननीय सुमित्रा महाजन जी के अगुवाई में, उसमें उस समय के मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साहब भी थे सदस्य के रूप में, उस आयोग की सिफारिश थी, मोदी साहब की सिफारिश थी कि हिंदुस्तान के किसान को जब तक उसकी उपज का लाभकारी मूल्य और खरीद के लिए गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान का भला नहीं होगा। आज किसान उत्साहित है कि जब आप सिफारिश करते थे तो मुख्यमंत्री थे, आज भगवान ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप इस एमएसपी गारंटी कानून को बनाइए, देश के किसान का भला करवाइए। दूसरा, देश के किसान का कर्जा माफ किया जाए, लाखों करोड़ रुपया। तो ये सब को 17 तारीख में हमारा सिसोली में जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां से निर्देश हुआ कि 21 फरवरी में आप लोग जो जिलों पे ट्रैक्टरों से प्रदर्शन करेंगे, तो आज ये हमारा प्रदर्शन है उन किसानों के समर्थन में जो पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे किसानों पे गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और एक ऐसा बॉर्डर बना दिया जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो किसानों से प्रशासन बात करे, सरकार बात करे, भारत सरकार बात करे और किसानों की समस्याओं का समाधान करे। बलपूर्वक किसानों को दबाया जा रहा, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, कौन सा अगर किसान ने अपने घरों के बाहर आगे अपने काम तो पहले दीवार कर दी, फिर कहां जाएंगे? किसान भी तो कर सके। इस किसान की बात सुने तो ही समाधान लिख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये कहना चाह रहा मैं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, किसानों की बात का समाधान बातचीत से ही होगा। आज तक कितने भी आंदोलन कभी भी हुए देश में, लेकिन उनका हल बातचीत से ही निकलेगा। बातचीत किसानों की होनी चाहिए, ऐसा ना करो कि भाई किसान दिल्ली में आ नहीं सकता। दिल्ली क्यों बैन कर दी किसानों की? दिल्ली किसानों की दिल्ली का राजधानी नहीं है। चार बैठक हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकल पाया आपका? समाधान तो ये नहीं निकल रहा, उनके गणित समझ में नहीं आ रहा। की गारंटी देंगे जब आंदोलन खत्म हुआ, जब कही थी कि एमएसपी की गारंटी देंगे, हमारा जो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे और हमारे कर्ज माफ करेंगे और हमारे मुकदमा वापस लेंगे। जो लखीमपुर खुरी में जो हमारे किसानों को रौंदा गया उसको दंड मिलना चाहिए, हमारी ये मांग थी, हमारी बार है मांगे हैं। अब आप लोग रोड जाम कर प्रदर्शन? रोड जाम नहीं कर रहे हैं हम, तो रोड जाम क्यों करेंगे? हम तो ज्ञापन देने आए पूरी इंडिया में। आज हम रोड पे आपने फर्श बिछाकर बैठे हैं? नहीं, अलीगढ़ के डीएम के गेट पे हैं, हम रोड पे नहीं बैठे, ना रोड जाम करते हैं हम बैठे हैं, गेट बंद है और गेट खुलवा दे भीतर चले जाएंगे, डीएम साहब बात कर लें। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां छुटमलपुर में पुलिस ने बीती रात दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी सहारनपुर के कादिर नकुड़ के गांव टिडोली में महिला को गोली मारने के मामले में वांछित चल रहा था। खबर बांदा से है, जहां नाले में एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सबूत इकट्ठा कर शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। जिला रोड पर, रोड से काफी हटके एक नाला है छोटा, उसमें अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। देखने से प्रतीत हो रहा कि तब लगभग 48 घंटे 40 घंटे पुराना है, सबसे बदबू आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नशे में कोई व्यक्ति गिर गया हो नाले में, क्योंकि नाला ये गहरा है। बॉडी को पहचान है क्योंकि अज्ञात है,
सुरक्षित रखवाया जा रहा है, पहचान होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भैया मैंने कहा कि सामने से अभी जो है काम वाली बाहर निकली तो है, उसने जो है नाली में डेड बॉडी दी, तो क्या 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 कुछ जानकारी हुई, पहचान हुई? अभी कोई पहचान, पुलिस आई मौके में? हाँ पुलिस आई। कब आप लोगों ने देखा था इसे? ये लगभग एक घंटा पहले। के बॉडी से कुछ बदबू वगैरह कुछ आई थी? तो कैसी जानकारी आपको मिली थी? सामान फेंकने कचरा फेंकने आई काम वाली, तो उसने देखा नाली। लखनऊ पुलिस ने पुलिस के एक ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया है जिसका चोरी करने का अंदाज देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पुलिस घटना का खुलासा करते हुए ये बताते हुए नजर आए कि ये शातिर चोर शटर काटकर शहर में कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और एम्बुलेंस की सहायता से चोरी के माल को बड़ी आसानी से पार कर ले जाते थे। बहरहाल पुलिस ने पांचों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर माल को पार कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, इसी एम्बुलेंस का पूरी तरीके से इस्तेमाल होता था जो भी दुकानों से माल चुराया जाता था। ये माल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये वही माल है जो दुकानों के शटर तोड़कर चुराए जाते थे। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ADCP नॉर्थ अभिजीत आरशंकर जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये चोरी का खुलासा हुआ है, एम्बुलेंस इसमें शामिल रही है, पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई, कैसे इन तक पहुंचा गया, कैसे गिरफ्तारी हुई और ये लोग आखिर इस घटना को अंजाम देने के लिए कैसे पूरी प्लानिंग किए हुए थे? जी, हमारे को मड़ियाम पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि ऐसे ऐसे गिरोह जोन में एक्टिव है, तो सूचना पे हम लोग पूछताछ करके पीछे पहुँच कर इनको गिरफ्तार करके तब देखा तो इनके पास इतना माल है। फिर ये पूछताछ करने पे और पता चला कि इनको गिरोह बहुत स्पेशल गिरोह है, बहुत दिमाग लगा के बहुत प्लानिंग करने के बाद ही ये लोग अपराध घटित करता था। जैसे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में गैस कटर ले जाके दुकान के सामने लगा के उसका शटर तोड़ के उनसे केवल जो तार MCB स्विच जो घरेलू जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उसी को चोरी करता था, और जो सामान जो मार्केट में ज़्यादा से जल्दी बिक जाता है जैसे मोबिल ऑयल हो गया, चेन स्प्रॉकेट हो गया, उन्हीं सामान चोरी करता था। और इनका पेशी से ये लोग इलेक्ट्रिशियन का काम, वेल्डिंग का काम करता था, जिसमें से ये लोगों को बहुत अच्छा जानकारी होता था कि दुकान कहाँ पे है, कितना माल होगा दुकान में और कैसे इसका अंजाम दिया जाए। सर, इसमें एक अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है क्योंकि एम्बुलेंस इसमें शामिल है, क्योंकि ये हॉस्पिटल भी जाती है, हॉस्पिटल के साथ साथ मरीजों को भी हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है, क्या मरीज जो तीमारदार भी इसमें रहते हैं क्या उनके साथ भी किसी तरह की इन लोगों ने घटना की, क्योंकि इनके पास से असलहे भी बरामद हुए? इनके पास से जो चार असलहे बरामद किया गया है अभी तक ये क्लियर नहीं है कि और किसी और के साथ उन्होंने घटना कारित किया है नहीं किया। अभी फिलहाल अभी ऐसे कोई घटना सामने नहीं आया जिसमें से लूट या ऐसे कुछ किया है, ये चोरी के ही अंजाम दिया रहा है। सर, पांच लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, इनका पहला ये अपराध है जैसा कि आपने बताया, इस गिरोह में अभी और कौन लोग शामिल रहे, और जो चालक था एम्बुलेंस और इसका जो मालिक रहा, मालिक को किस तरीके की नोटिस पुलिस देगी, कैसी कार्रवाई करेगी, क्योंकि सत्यापन की हर बार बात कही जाती है लेकिन सत्यापन नहीं कराते, लापरवाही करते हैं और पुलिस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? जैसे इस केस में जो ड्राइवर है उनका भी पहले आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, पहले ही अपराध में इनको गिरफ्तार किया गया है, तो जो भी मालिक है, एम्बुलेंस का मालिक है, कॉमर्शियल गाड़ी जैसे डाला वगैरह होते हैं उनका सबका मालिक को अपना अपना ड्राइवर्स का सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए से हम लोग एक ड्राइव भी चलाएंगे, और इसके अलावा संदिग्ध एम्बुलेंस को चेक करने के लिए चौराहे पर प्रति चौराहे पर पुलिस टीम नियुक्त किया जाएगा। सर, ये खुलासा तो हो गया, एम्बुलेंस भी बरामद हो गई, कई एम्बुलेंस ऐसी भी देखी जाती है ब्लैक फिल्म लगा करके एम्बुलेंस पूरी तेज स्पीड से जाती है हूटर बजाते हुए, पुलिस को भी उसको सिग्नल दिलाना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो एम्बुलेंस के अंदर जो मरीज होता है क्या वो वाकई मरीज है या नहीं है, या उसका इस्तेमाल कभी सवारियों में भी किया जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ अभियान रहेगा पुलिस का? इसमें रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साथ मिलकर ही हम लोग काम कर सकते हैं क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह RTO ऑफिस से होता है, तो साथ में मिलकर हम लोग इसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे पूरा लखनऊ। तो सर, इस खुलासे के बाद जो मालिक हैं, जो अदर भी एम्बुलेंस चल रही हैं, तो उनको लेकर के क्या कुछ हिदायत रहेगी? सभी एम्बुलेंस मालिकों को ऑफिशियली नोटिस दिया जाएगी कि अपना अपना सत्यापन करें और अपना गाड़ी का गलत इस्तेमाल ना होने का जिम्मेदारी उन्हीं को दिया जाएगी। धन्यवाद सर बात करें। तो जिस तरीके से लखनऊ शहर में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और इसके साथ ही घटनाओं में एम्बुलेंस की सहायता ली जा रही थी जिससे कि पुलिस की आंखों में धूल भी झोंका जा सके, फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही इस गिरोह में और कौन लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश में जुटी हुई है।
वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने टाउन हॉल के मैदान में नाबार्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाबार्ड बसंत मेला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नाबार्ड बसंत मेले में कई प्रकार के उत्पादों के स्टॉल लगाए, जिसका जिलाधिकारी ने अवलोकन किया। साथ ही खरीदारी कर लोगों को भी प्रेरित किया गया है। सर, आज बसंत मेले का आयोजन किया गया है, कितने दिन तक ये आयोजन चलेगा और क्या है? हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको एक विपणन व्यवस्था के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। इसी की दिशा में नाबार्ड द्वारा ये स्वयं सहायता समूहों की हमारी सम्मानित महिलाओं द्वारा, बहनों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं उनके विपणन के लिए मेला लगाया गया है। जो वस्तुएँ बनाते हैं, जो खाद्य सामग्री बनाते हैं और ख़ासकर जो मिलेट से बने हुए उत्पाद बने हुए हैं, हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं श्री अन्न, और उसको जो कि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो ये 3 दिन के लिए चलेगा और इसमें निश्चित रूप से हमारी बहनें जो बना करके लाई हैं सामग्री और वस्तुएं बना के लाए हैं स्वयं सहायता समूह द्वारा, उसको विपणन के लिए एक अच्छा मार्केट, उन्हें फ़ायदा होगा और आर्थिक रूप से स्वयं सहायता समूह निश्चित रूप से स्वावलंबी बनेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction.gfx@gmail.com पर। राज